हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बड़ी रिक्रूटमेंट की जानकारी को लेकर। इसका नोटिफिकेशन हाल ही में क्या फ्रेंड्स, आज ही 7 जनवरी 2022 को साइट पर आया है और उसी को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक नई अपडेट सबसे पहले आपके लिए यूनिक नर्सिंग अचीवर यूट्यूब लेकर आता है और हम इसी प्रकार आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो ये जो फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ के द्वारा, जिसे आप शॉर्ट में SGPGI लखनऊ के नाम से जानते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते भी होंगे कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा पिछले 3-4 साल से स्टाफ नर्स की जो भर्ती है उसको रोक के रखा गया था। उसका जो नोटिफिकेशन है वो बार बार ये कह रहे थे कि भी एक्सटेंड किया गया, मतलब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज इन्होंने आखिरकार नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कब तक फॉर्म फिल किए जाने हैं, कितनी वैकेंसी हैं, सारी बातों पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहे, लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करूँगा स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है माय डियर यंग फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी निकाली गई स्टाफ नर्स के लिए वो 252 निकाली गई हैं। यहाँ पर जो SC कैटेगरी है उनके लिए पूरी 80 पोस्ट हैं, ST के लिए मात्र एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 42 वैकेंसी होने वाली हैं, EWS कैंडिडेट के लिए 14 वैकेंसी हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 115 पोस्ट यहाँ पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ के द्वारा निकाली गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेक्नीशियन है, जो रेडियोलॉजी है, उनके लिए भी यहाँ पर टोटल 34 जो पोस्ट निकाली गई हैं जो टेक्नीशियन है। इसके अलावा जो और भी हैं रेडियोग्राफी के, उनके लिए भी यहाँ पर 8 पोस्ट निकाली गई हैं। जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी टोटल 137 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। आप अपनी कैटेगरी के वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, SC के लिए 29 है, ST के लिए 2 हैं, OBC के लिए 37 है और EWS के लिए 14 है। बाकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 55 पोस्ट यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के निकाली गई हैं। जूनियर जो मेडिकल यहाँ पर लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं इनके लिए भी यहाँ पर 23 जो पोस्ट है वो निकाली गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो स्टार लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ कैंडिडेट हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि जो सिस्टर ग्रेड सेकंड है, मतलब जो स्टाफ नर्स की भर्ती है उसमें जो कहीं पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वैकेंसी कहीं ना कहीं पहले जो भर्ती निकाली गई थी उसमें खाली रह गई हैं। अब इन भर्तियों को भरा जाने वाला, तो फ्रेंड्स सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यहाँ पर जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट वो क्या रखी गई है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो अभी नहीं बताई गई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा वो जो पूरा एडवर्टाइजमेंट, डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो साइट पर जल्दी ही जारी होने वाला है। लेकिन ये अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मैं आपके साथ मिलूंगा एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितने रुपये फीस रखी गई है, सारी जो बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। बहुत ही जल्द एक नया वीडियो आने वाला है, तो धन्यवाद साथियों।